अरे दोस्तों, तो मैगी बनाने के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है चलो हम देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक टमाटर, एक प्याज और 4-5 लहसुन और कुछ मटर। ठीक है, तो चलो दोस्तों इस प्याज टमाटर और लहसुन को काट देते हैं। ठीक है, ये है टमाटर, चलो कटिंग करते हैं। ठीक, छोटा छोटा बारीक बारीक काट लेते हैं। ठीक, ये कटिंग। अब प्याज को भी, प्याज भी कटिंग कर लेते हैं। अब लहसुन, लहसुन की भी कटिंग कर लेते हैं। अब ये अच्छे से कटिंग हो गया। अब फिर तवा को गैस में चढ़ाते हैं। ठीक, अब हम इस जलते हुए चूल्हे में तवा को ऐसे रखते हैं। ठीक है, अब इसमें हम तेल डालेंगे फ्राई करने, अपने हिसाब से हम अब तेल डालेंगे इसमें। कितने में हो जाएगा ये अंदाज़ा लगाकर। ठीक है, तो हमारे पास तीन पैकेट मैगी है और इसके लिए जो मटेरियल है जैसे कि मटर, प्याज, टमाटर एक एक, तो इस हिसाब से हमने इतना तेल डाला। ठीक है, इतना इनफ है। अब जब हमारा तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें हल्का सा जीरा डालेंगे, ये। ठीक है, अब जीरा के बाद इसमें हम प्याज डालते हैं। प्याज को तब तक इसको तलना है जब तक कि हल्का सा लाल ना हो जाए। ठीक, देखते रहिए। अब ये प्याज आपको ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन हम तीन पैकेट बनाने वाले हैं तो इतना इनफ है। अब जब ये प्याज हल्का सा लाल या पीला जैसे हो जाए तब हम इसमें हल्का सा हल्दी डाल देते हैं। मैगी में मसाला तो रहता है लेकिन थोड़ा सा रंग और थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए हम अपने घर का सामान और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हल्का सा नमक, हल्का सा हल्दी, हल्का सा मिर्च, ऐसा। तो चलो हम अब थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हल्का सा हल्दी डालना है जब वो लाल लाल दिखने लगे प्याज। ठीक, मैंने हल्का सा हल्दी डाल दिया, ये थोड़ा सा धनिया डाल दिया पाउडर वाला, थोड़ा सा नमक अपने स्वाद अनुसार। ठीक है, अब हमने जो टमाटर काटा था उसको इसमें डालते हैं और थोड़ा सा उसको इसके साथ भूनते हैं। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर मटर भी डालना है जो हमारे पास पहले से भिगे हुए रखे हुए हैं। मटर और टमाटर डाल दिया, उसका थोड़ा सा इसको हम भूनते हैं और थोड़ा सा ढक देते हैं। ठीक है, हमारा मटेरियल इतना सुंदर दिख रहा है जो भी इसमें डाला हुआ है, जैसे कि प्याज, टमाटर, मटर, जीरा, हल्दी, नमक, धनिया, ये थोड़ा सा हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, उसके बाद फिर डालेंगे मैगी। हमारे चैनल बने रहिए। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये बहुत ही
तरह और दिस स्टाइल है, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या अब जैसे कि हमारे पास तीन पैकेट मैगी है तो उस हिसाब से हम इसमें पानी डालेंगे जितने से पूरा मैगी कम से कम डूब जाए। ठीक है, आप कितना पानी डालना है यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपको सूखा चाहिए या हल्का सा गीला। ठीक है, जैसे कि मैं 1.5 से 2 गिलास डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास 3 पैकेट मैगी है और मैगी डूबेगा तभी मज़ा आएगा। अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं मैगी। अब मुझे बड़ा बड़ा मैगी पसंद है इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ, और जैसे आपको छोटा चाहिए तो आप इसको तोड़ के डाल सकते हैं। ठीक है, ये अब इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। अब देखो हमारा मैगी मस्त बन जाएगा थोड़ी ही देर में। ऐसे भी मैगी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट इनफ, 10 से 15 मिनट बहुत होता है, इनफ टाइम है। देखो थोड़ा थोड़ा उबल रहा है, अब हम इसको अच्छे से उबलने देते हैं और पकने देते हैं। देखो कितना मस्त दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा मैगी। अब बनने के बाद फिर इसका टेस्ट भी बताएंगे कि कैसा बना है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर हम लोग क्या है मैगी में जो मसाला दिया हुआ है उसको डालते हैं। ओके, तो ये देखो मैगी मसाला, अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। तो 3 पैकेट दिया तो 3 पैकेट पूरा डाल देते हैं। देखो 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 कितना और मस्त कलर आ रहा है, और वो जो क्या पहले से कलर दिख रहा था वो हमने एक्स्ट्रा अपने घर से डाला है वो वाला है, क्योंकि हमारा मैगी अब तैयार होने वाला है। अब बस लास्ट में इसको एकदम मस्त वाला तड़का लगाना बाकी है। अब इसमें हम इस मैगी को तब तक पकाएंगे जब तक इसका जो एक्स्ट्रा पानी दिख रहा है वो कम नहीं हो जाए, और अपने हिसाब से, जैसे अगर आपको इसमें पानी या फिर एकदम सूप वाला चाहिए तो आप बिल्कुल ऐसे ही इसको पका सकते हैं, और नहीं चाहिए तो आप थोड़ा और पकाइए, जैसे कि थोड़ा सा सूखा हो जाए तो मज़ा आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना। तो देखो अब हमारा मैगी लगभग तैयार होने को है। देखो कितना मस्त दिख रहा है, इसमें ये हरे हरे मटर, वाह। अभी देखो इसका पानी कम हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ी ही देर बाद तड़का के लिए तैयार करें, हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम इसमें एक तड़का देंगे, वो हम मिर्च और लहसुन का। ठीक है, सूखा वाला मिर्च, या हो गया। अब चलो फिर हम इसको तड़का के लिए करते हैं, अब एक नया कढ़ाई या फिर इसी कढ़ाई को हम फिर से धो के ला के करते हैं। ठीक है, अब इस मैगी को किसी थाली या प्लेट में हम लोग पहले रख देते हैं ताकि हम इस कढ़ाई का दोबारा से उपयोग कर सकें, और इस कढ़ाई को धोकर लाते हैं। इसके बाद फिर इस वीडियो में बने रहो, देखो क्या करते हैं। ठीक है, तो हमने कढ़ाई धो के ला लिया, अगर आपके पास दूसरी कढ़ाई है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम डालेंगे तड़का, लगाएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे। हेलो दोस्तों, तो आप देखो हमारा तेल लगभग गर्म हो गया, अब हम इसमें एकदम सूखी वाली लाल मिर्ची डालेंगे दोठो, और उसमें क्या है हल्का सा लहसुन, ये लगता है ज़्यादा ही गर्म हो गया, ये रहा लहसुन, हल्का सा गर्म, और हम थोड़ा सा लाल मिर्च। ठीक है, देखो अब हमारा जो लहसुन और मिर्च है वो एकदम मस्त लाल लाल हो गए। अब हम इसमें डालते हैं मैगी जो हमने बनाया है। ओके, अब इसको मस्त वाला ऐसे दो मिनट के लिए हम लोग ऐसे ही गर्म कर देते हैं। अब देखो हमें सूखा पसंद है, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें जो पानी था उसको भी कम होते तक वेट कर रहे हैं। ये देखो लगभग बन ही गया, अब इसको हमें थाली प्लेट जिसमें भी प्लेट परोसना चाहते हैं उसमें परोस सकते हैं। देखो कितना मस्त बना है, है ना। चलो ठीक है, मैं इसको परोस के दिखाता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो देखो अब इसे हमें थाली में डालते हैं, क्या मस्त दिख रहा है ना, बड़ा बड़ा। तो देखो दोस्तों फाइनली हमारा मैगी पूरा कंप्लीट बन गया, और देखो कैसे दिख रहा है, दिख रहे ना मस्त। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं, बाय बाय, टाटा।